आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन टैली में आ सकती है जैसा मेरे व्यूवर ने हमसे पूछा है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ पर टैली प्राइम मैंने ओपन किया और यह हम एजुकेशनल मोड में आ चुके हैं। अब जब कभी भी आप परचेज वाउचर में एंट्री पास करने जाते हो तो ऐसे में जनरल जो सिनेरियो आपको दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना होता है, फिर यहाँ पर डेट आती है, फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आता है और नीचे परचेज का लेजर शो हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ आ जाए कि परचेज का लेजर ही ना शो हो, तब क्या करेंगे? ऐसे में होता क्या है कि आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है चेंज मोड का, तो यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस है, ये देख सकते हैं ये अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अभी देखिए परचेज का लेजर ही नहीं शो होगा, देखिए यहाँ पे परचेज का लेजर आ रहा है तो परचेज का लेजर गायब हो जाएगा। और यही चीज आप अगर आइटम इनवॉइस में रहेंगे तो आपको पूरा पूरा परचेज का लेजर शो करेगा, ठीक है। आप देखिए जैसे जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं आइटम इनवॉइस में आता हूँ, देखिए आइटम इनवॉइस में जैसे ही आऊंगा तो यहाँ परचेज का लेजर शो करेगा कि यहाँ पे परचेज का लेजर लगाइए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चेंज करूंगा, अब देखिए यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस कर दिया, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में गायब हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो अब देखिए इसमें एक और मोड है जिसको हम कहते हैं एज वाउचर। तो यहाँ पे एज वाउचर में आ जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब बन जाएगा, तब तो चीजें और भी ज्यादा कठिन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये परचेज का लेजर नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पर आपका मोड चेंज रहता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही आइटम इनवॉइस में आएंगे तो ये आपको दिखने लगेगा, और जैसे ही फिर वापस से एज वाउचर या अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो यही दिक्कत है, ठीक है। अगर परचेज में लेजर आपको ना दिख रहा हो तो यही दिक्कत हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है, ठीक ना। ओके।